के उठने का, है ना कोको? भाई शोर शोर कर रहा है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11, और अभी हम यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। ये कुकू का ब्रेकफास्ट है, ये हनी का, एंड दिस इज़ फॉर मामा। आज हमने बनाई है साबूदाना की खिचड़ी, और मेरी चाय रेडी हो रही है, और ये रही मेरी चाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ व्लॉग। एंड हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, हम लोग रेडी हो गए हैं, और अभी मैं एंड किड्स पार्टी जा रहे हैं सुपरमार्केट। थोड़ा बहुत सामान लेना है हमको, एंड कार्तिक ने कलर्स वगैरह भी लेने हैं अपने लिए, तो अभी हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे बच्चे भी हो गए हैं रेडी, ये दोनों रेडी हो गए हैं। चले बेटा, मास्क ले लिया आपने? कुकू कुकू, आर यू रेडी? रेडी रेडी कुकू, यस चलो चलते हैं। कुकी का प्रेम ले लो, कुकू का प्रेम किधर है? और ये ले लिया हमने कुकू का प्रेम, कुकू बैठ जाएगी प्रेम में। बैठना है कुकू, चलाना नहीं है। चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से सुपरमार्केट में। जीरो जीरो, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो आप जीरो और टू में। क्योंकि अब से मैं डेली यूज स्कूल जाऊं भूल जाऊं कौन से लिफ्ट्स, जीरो या वन। हेलो, और अभी हम लोग आ गए हैं बाहर। आज वेदर बहुत अच्छा है, सुबह के टाइम काफी ज्यादा धूप थी, अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और यहाँ पे इस पेड़ में लगा हुआ है कोई फ्रूट्स, आई थिंक कोई वाइल्ड फ्रूट्स हैं, और ये सारे सारे नीचे गिरे हुए हैं। It looks like blueberries. Don't eat. खाना नहीं इसको, पता नहीं क्या है। Maybe poison. Maybe wild fruit है। Yeah. और यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, आई थिंक इस साइड से जाना पड़ेगा। ओह थैंक गॉड ये रास्ता पूरा ब्लॉक नहीं है। चलो नो बेटा, नो वाटर, चलो बेटा हनी। और हम लोग पहुंच गए हैं सुपर मार्केट। और अभी हम लोग मार्केट से वापस आ गए हैं, और अभी ये जो आवाज़ आ रही है, हमारे बिल्डिंग में कहीं पे फायर लग गई है, स्मोकिंग अलार्म है, और अलार्म बज रहा है। कार्तिक खड़ा हुआ है बाहर नीचे, और अभी पुलिस को कॉल किया है, पुलिस आती ही होगी। कौन सा फ्लोर है बेटा? सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट से आई थी, और मैं किचन में खाना बना रही हूँ, तो मुझे मेरे आसपास की जो मेरे नेबर्स हैं वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वैसे यहाँ पे होता नहीं है नॉर्मली, मतलब लोग हल्ला वल्ला ज़्यादा करते नहीं हैं, तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मुझे मतलब शोर की आवाज़ आई कि कौन शोर मचा रहा है, और मतलब नेबर्स बाहर निकल के बात कर रहे हैं। तो पता चला है कि हमारे बिल्डिंग में
फायर लग गई है और जिस फ्लोर में मैं रहती हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, फ्लोर बोल रही हूँ सॉरी, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उसी में फायर लग गई है। और यहाँ पे क्या है कि स्मोक अलार्म्स लगा रखे हैं, जैसे कि अगर आप आपके घर से थोड़ा ज़्यादा स्मोक होता है खाना बनाने में, या आप ज़्यादा फ्राई करते हो तो वो स्मोक अलार्म ऑटोमेटिक बजता है, तो उसी की आवाज़ आ रही है। तो पता चला है कि फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर में फायर लग गई है, एंड जो जिनके घर में लगी है वो घर में नहीं है, और उनके जो नीचे या उनके बगल में रहते हैं वो बाहर आ गए। और उन्होंने मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो ऊपर रहते हैं स्मोकिंग अलार्म बज रहा है और शायद फायर लग गई और घर में नहीं है। तो अभी मैं बाहर जाके चेक करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। और अभी यहाँ पुलिस आ गई है। और अभी फायर ब्रिगेड भी आ गई है। आई थिंक कुछ सीरियस ना हो क्योंकि हमारी बिल्डिंग में ही है, काफ़ी डर लग रहा है हमको। आई थिंक फिफ्थ और सिक्स फ्लोर है ना, ये बच्चे खड़े हैं ना हमारे यहाँ पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनके नेबर्स बाहर निकल के आ गए थे और उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म किया एंड पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। तो आई थिंक 10-15 मिनट से फायर ब्रिगेड भी आ गई थी एंड पुलिस भी आ गई थी, और जिनके घर में फायर लगी थी वो लोग घर पर नहीं थे। तो फिर मैं भी ऊपर गई थी चेक करने, तो उनका डोर वगैरह उन्होंने तोड़ा, फिर वो लोग अंदर एंटर किए, उसके बाद सिचुएशन ठीक करी, जो फायर वगैरह थी वो सब उन्होंने बुझाई। उसके बाद पता चला है कि सब कुछ ठीक है। और जब मैं ऊपर गई थी चेक करने तो वो लोग डोर वगैरह फिक्स कर रहे थे, फिर मैंने पुलिस से पूछा कि अंदर कोई था तो नहीं, तो उन्होंने पर अंदर कुछ नहीं था, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है जो उस घर में रहते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा दूर गए हैं वो लोग, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, और मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी उनसे पूछने कि सब कुछ ठीक है करके, ज़्यादा हार्म तो नहीं हो, ज़्यादा लॉस तो नहीं हो उन लोगों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही है कि स्मोक अलार्म्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर जैसे कि हम लोग तड़का वगैरह लगाते हैं या फिर ज़्यादा हम लोग ज़्यादा चीज़ें फ्राई करने लग जाते हैं, और अगर हमने उस टाइम एग्जॉस्ट फैन ऑन नहीं किया या अपनी विंडो वगैरह नहीं खोली है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आपके स्मोक अलार्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग घर में स्मोकिंग वगैरह करते हैं ना, अगर वो करते हैं स्मोकिंग अलार्म के आसपास, तो भी स्मोक अलार्म वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये लोग प्रिफर करते हैं कि स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं वो अपनी बालकनी वगैरह में करते हैं। तो थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक है। मैं थोड़ा डर भी गई थी क्योंकि बच्चों के साथ घर में अकेली थी, तो कार्तिकेन तो थोड़ा आपने देखा भी होगा थोड़ा बाहर चला गया था चेक वगैरह करने के लिए। तो अभी सब कुछ ठीक है, तो थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ मैं कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपकी बिल्डिंग में कुछ होता है तो फिर थोड़ा सा डर तो लगता ही, तो थैंक गॉड सब कुछ सेफ एंड फाइन है। और शाम का टाइम है, बाहर बारिश,
खोना स्टार्ट हो गई है, अंदर पानी आने लग गया है विंडो से। कुकू यहाँ पे खा रही है वाटरमेलन और हस्बैंड जा रहे हैं जिम। बाय बाय करो पापा को। और बारिश रुकी नहीं, अभी तक बारिश हो रही है पहाड़। सो आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों से कल की व्लॉग में। तो फ्रेंड्स सब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।